नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चलिए आज मैं आपको लिए चलता हूं रामेश्वर जांगड़ा बॉक्सिंग एकेडमी खारिया में। यहां पे 7 तारीख से इस एक चैंपियनशिप का आयोजन करवाया गया था, जिस चैंपियनशिप का नाम है सीनियर स्टेट चैंपियनशिप फॉर मैन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैंपियनशिप के मुकाबले जो हैं वो चल रहे हैं। आज इस स्टेट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले होने हैं और आपको बता दूं कि 10 अलग अलग भार वर्गों में 10 फाइनल मुकाबले यहाँ पे खेले जाने हैं। तो यहाँ पे ये फाइनल मुकाबले जो इस स्टेट चैंपियनशिप के हैं वो यहाँ पे आयोजित करवाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे खिलाड़ियों में उत्साह है और खिलाड़ियों के साथ आए हुए दर्शकों में भी उत्साह, काफ़ी उत्साह का माहौल है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये एड हॉक कमेटी हरियाणा के द्वारा आयोजित करवाई गई है। तो यहाँ पे तमाम दर्शक और दर्शकों के बाद अगर इधर मैं रिंग में आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे चैंपियनशिप अभी जो फाइनल चैंपियनशिप है वो अभी जो फाइनल मुकाबला हुआ था दो खिलाड़ियों के बीच में तो वो अभी समापन की ओर है, समाप्त हो चुका है। तो यहाँ इसमें से आपको बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट है ये 7 तारीख से शुरू हुई थी और 10 तारीख को आज इसका समापन है। तो यहाँ पे प्रदेश भर से 400 खिलाड़ी, लगभग 400 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं, हिस्सा लिया था। अभी इस टूर्नामेंट के, इस चैंपियनशिप के जो फाइनल मुकाबले हैं वो चल रहे हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि 10 कैटेगरी अलग अलग, 10 भार वर्गों की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है जिसमें 10 गोल्ड 10 खिलाड़ियों को दिए जाने हैं। और इसके बाद जो यहां से 10 खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर के जाएंगे वो आगे पुणे में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। तो यहां पे तमाम दर्शक दीर्घा देख सकते हैं आप किस प्रकार से गाँव खारिया के लोगों का भी सहयोग यहाँ पर अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। गाँव खारिया के साथ साथ जो आसपास के खिलाड़ी आए हैं, दूर दराज से जो खिलाड़ी आए हैं वो खिलाड़ी भी उनके साथ भी दर्शक दीर्घा के तौर पर उनके सपोर्टर जो हैं वो अच्छी खासी यहाँ पर दर्शक दीर्घा में भूमिका अदा कर रहे हैं। अगर इस कमेटी की बात करूं, इस एकेडमी की जो रामेश्वर जांगड़ा बॉक्सिंग एकेडमी खारिया है इसमें जो कमेटी की बात करूं तो 7 सदस्य इसकी कमेटी में रखे गए हैं, जिसमें एक्स सरपंच रामकुमार नैन की देखरेख में इस कमेटी का संचालन किया जा रहा है। और इस कमेटी की अगर 7 मेंबरों की बात करूं तो जिसमें जगदीश न्योल, सैन बाना, कुल सूर्या गोदारा, राहुल नैन, रोहताश बहादुर, राजेंद्र न्योल, जयपाल बावरी आदि इस कमेटी में शामिल है, जो हर दम इस एकेडमी के अंदर ही रहते हैं और इस एकेडमी का संचालन करते हैं। तो चलिए इस जो टूर्नामेंट के हेड हैं, जो जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया था, वो खुद बॉक्सर और अर्जुन अवार्डी मनदीप जांगड़ा हैं। चलिए उनसे भी जानेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे जो गाँव के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है तो उनसे भी जानेंगे कि इस टूर्नामेंट को लेकर के वो अपनी क्या कुछ राय प्रस्तुत करते हैं, क्या कुछ राय देते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको अभी ले चलता हूँ अर्जुन अवार्डी मनदीप जांगड़ा के पास। मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ से जो चैंपियन चुने गए हैं वो हरियाणा को रिप्रेजेंट करें नेशनल में और नेशनल में नंबर वन रहे हमारा हरियाणा। सेकंड थिंग, बॉक्सिंग परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है और गांव में मैंने बॉक्सिंग इसलिए कराई कि लोग गांव में बॉक्सिंग समझ सके, बॉक्सिंग है क्या, बॉक्सिंग का महत्व क्या है और बॉक्सिंग से क्या क्या फ़ायदे हैं, बॉक्सिंग से वो हमारे देश का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है चैंपियनशिप पे और चैंपियनशिप में जो आज अच्छी से संपन्न हुई है उसमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा ग्रामवासियों का, बिकॉज विदाउट देम आई कैन डू एनीथिंग। सो थैंक यू सो मच टू ऑल खारिया विलेजेस एंड आई होप इन द नेक्स्ट टाइम आई विल डू नेशनल चैम्पियनशिप इन माई विलेज। तो चलिए अब मैं आपको खिलाड़ियों के पास ले चलता हूँ कि आखिर खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को लेकर के क्या कुछ कहते हैं और उसके बाद गांव के जो लोग हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनका क्या कहना है इस टूर्नामेंट को लेकर के। अच्छी चल रही है, जजिंग भी अच्छे हैं, रेफरी भी अच्छे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन बहुत अच्छा चल रहा है और बॉक्सर भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो जैसी चल रही है बॉक्सिंग इस हिसाब से नेशनल में भी अच्छे मेडल आएंगे। ये स्टेट सीनियर स्टेट लेवल की टूर्नामेंट है, इसमें बहुत अच्छा आयोजन किया गया है, खारिया गांव ने भी पूरा सहयोग दिया है इसका, बहुत अच्छी टूर्नामेंट है। आप देख रहे हैं गांव वाले भी बहुत सहयोग कर रहे हैं इसके लिए, हमें बहुत अच्छा लगा खेल के, तो बहुत बढ़िया रही है, बहुत बढ़िया हमें सबको, मतलब कोई गलत डिसीजन नहीं मिला, मतलब सब अच्छा हुआ, सब कुछ अब तक सब अच्छा चल रहा है। पूरा सहयोग दिया हमारा इन भाइयों की वजह से,
बहुत बढ़िया वो हम गेम खेला गया हमारे लिए, और भाइयों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो भाइयों ने हमें इतना बड़ा सहयोग दिया हमें। ये एक खारिया गांव के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है जहां पे तीसरा एलाइट स्टेट चैंपियनशिप कराया गया, जिसमें रामेश्वरम जांगड़ा बॉक्सिंग ट्रस्ट वो सोसाइटी के मेम्बर्स व पूरे गाँव खारिया गाँव के जितनी भी जनता है उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया, और इस तरह का पहला ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पर कराया जा रहा है। इसके पहले हिसार व भिवानी की तक ही सीमित था ये खेल, लेकिन आज इस गांव में लाने के बाद इसका एक अलग ही पहचान बनी है। देखो जी, ये मंदीप जंगड़ा गांव का एक सितारा, उभरता हुआ सितारा है, और जिस प्रकार गांव के अंदर एक खेल भावना के अंदर परिवर्तन लाया है मंदीप, आजकल आज के नौजवान नशे की तरफ चल रहे हैं और नशे की तरफ एकदम परिवर्तन करके एक खेल का हब बना दिया खरिया गाँव को। ये सिर्फ बॉक्सिंग की बात नहीं है, यहाँ पर बच्चे दूसरे खेल भी खेल रहे हैं, और नशे की तरफ नए नए नौजवान जो 15-20 साल के नौजवान है वो नशे से दूर हो रहे हैं। मैं तो एडम में मैंने सेवा करनी है, मैं जाके यूं ना कहे कि खाजी गया तकलीफ हुई, मजा दिलाना है केड़ा दूध सेवा बाजू मारी खेल बढ़िया चलना रहा। हमारे गाँव में मनदीप ने जो ये बेड़ा उठाया है चैंपियनशिप बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, ये बहुत अच्छा है, ये आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। जो आजकल चल रहे हैं नशा सबसे ज़्यादा नशा फैल रहा है, जो इसके अंदर वो इससे जुड़ जाएगा वो ये सब चीज़ नशे से मुक्त हो जाएगा। सर ये बहुत बढ़िया है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है भी सिरसा ज़िला में और वो खास करके ग्रामीण अंचल में खारिया गांव में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट बॉक्सिंग की हो रही है, बहुत खुशी है हमें इस बारे में भी ग्रामीण प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए अभी मैं आपको जो यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी है वो क्या कुछ कहती है। ये थर्ड एलाइट सीनियर मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप है जी, और आज इसके फाइनल है, ये अपना 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 10 तारीख आज फाइनल है। आज इनके जो भी बॉक्सर यहाँ पे विजेता होंगे वो आने वाली राष्ट्रीय संपदा जो पुणे में होने जा रही है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हरियाणा की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे, और इस बॉक्सिंग को मिस्टर अश्विनी शर्मा जो हेड ऑफ कमेटी कोऑर्डिनेटर हैं वो संचालित कर रहे हैं। चलिए अभी मैं आपको ले चलता हूँ आज के फाइनल मुकाबले किस प्रकार के रहने वाले हैं, चलिए आज दिखाते हैं आपको आज के कुछ खास मुकाबले। सात अक्टूबर से शुरू हुई सीनियर स्टेट चैंपियनशिप का आज समापन हो गया है। यहाँ पे प्रदेश भर से लगभग 350 से 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, और उनमें से केवल मात्र 10 ऐसे खिलाड़ी चुने गए हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है, यानी कि 10 खिलाड़ियों ने अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए, अपना अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल यहाँ से हासिल किया है। कुल मिलाकर के अगर कहूँ कि 4 दिनों तक चलने वाली इस खारिया गांव के अंदर और सिरसा जिले के इतिहास के अंदर, ग्रामीण आंचल के अंदर कहूं तो पहली बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आज समापन हो गया है, और यहां से जो 10 खिलाड़ी चुने गए हैं, जिन 10 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है वो आगे पुणे में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। कैमरा सहयोगी तारा सरेलिया के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।